फ्रेंड्स, ये है मारुति 800 पेट्रोल कार। आज की इस वीडियो में हम इस कार को हाइब्रिड कार बनाएंगे। इसकी फ्रंट में 800 सीसी इंजन से ये कार दौड़ेगा और पीछे हम एक डिफरेंशियल यूज़ करेंगे। इसी डिफरेंशियल में हम 10 किलो वाट 72 वोल्ट मोटर को यूज़ करेंगे और इसको हम लिथियम बैटरी से पावर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए।
फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंशियल इस मारुति 800 कार में फिटिंग हो चुका है। हमने इसको फिट करने के लिए क्लैंप का यूज़ किया है। इसमें हमने कोई वेल्डिंग टच नहीं दिया है। इसमें हमने ब्रेक लाइन भी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे है हमारा ये BLDC मोटर। ये इंडक्शन मोटर नहीं है, ये 72 बोल्ट 10 किलोवाट BLDC मोटर है। और दोनों ही व्हील में इसके पावर डिफरेंशियल के थ्रू आउट होती है। ब्रेक लाइन यहाँ पे भी आप देख सकती है। सेफ्टी के लिए हमने ब्रेक लाइन को पहले की तरह यूज़ किया है। ये रहा इस BLDC मोटर की कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को आप 24 बोल्ट या 72 बोल्ट किसी भी बोल्ट में घुमा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस कंट्रोलर की सारी कनेक्शन करते हैं और फिर इस कार को चला के आपको दिखाते हैं। पेट्रोल को बंद करो, अभी इलेक्ट्रिक में चला के दिखाओ। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में चल रहा है। अभी पीछे हमने जो डिफरेंशियल यूज किया है, इसमें 10 किलो वाट 72 बोल्ट BLDC मोटर को हमने इंसर्ट किया है। देख सकते हैं इसकी टॉर्क भी बहुत ही शानदार है और इसका जो टॉप स्पीड है करीब 65 है। अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक में रिवर्स करके दिखाओ।